नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। नगर SN फीडर पर सभी संविदा कर्मचारी बैठे धरने पर। संविदा कर्मचारियों द्वारा बताया गया, अधिशासी अभियंता RS गर्ग द्वारा तय समय से ज्यादा काम कराने का आरोप भी लगाया और अपनी मांगों को रखा। जी हां, कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हमारा धरना चालू रहेगा। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। धरने पर बैठे क्या कारण है? कारण बहुत से विभिन्न समस्याएं हैं। अधीक्षक अभियंता महोदय के द्वारा यहाँ पर कार्य अधिक लिया जा रहा है, 100 डिस्कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमारे संविदा कर्मचारी भाई बहुत परेशान हैं। खाना तक खाने के लिए परेशान है। सुबह 8 बजे 6 बजे फ़ोन कर दें, जब भी अधिकारियों का प्रेशर बन रहा है। प्रेशर में आकर के एक सौरा अली हमारे गांधी पार्क भाई हैं, उनको दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। उनके इलाज के लिए कोई सुविधा न दी गई। संगठन के माध्यम से उन्हें डॉक्टर रामकुमार गुप्ता जी के यहाँ एडमिट कराया गया है। हमारी जो मांगे हैं, हमें प्रेशर ना दिया जाए, 8 घंटे शेड्यूल के अनुसार कार्य कराया जाए और जो डिस्कनेक्शन टीम है उसके साथ एक संविदा सरकारी कर्मचारी दिया जाए। आप लोग कब से बैठे धरने पर? आज ही धरना हमारा शुरू हुआ है 10 बजे से। तो आपसे कोई अधिकारी मिलने आया? अभी तक तो कोई नहीं आया है वार्ता के लिए, और जब भी वार्ता के लिए आएंगे तो हमने अपना नोट मांग पत्र अपना भेज दिया है, उसमें के अकॉर्डिंग बात होती है तो ठीक है, नहीं हमारा धंधा इसी प्रकार जारी रहेगा। क्या कारण है? कारण ये है कि जब से अधीक्षक अभियंता महोदय ने कारोबार संभाला है तब से कर्मचारी। क्या नाम है उनका महोदय जो इन्होंने कारोबार संभाला है? संभाला है तब से। नाम क्या है उनका? अधीक्षक अभियंता महोदय RS गर्ग साहब। जब से कारोबार संभाला है तब से संविदा कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। प्रतिदिन 100 कनेक्शन काटने का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई लिखित में आदेश नहीं है। ये असंभव कार्य है, ऐसा नहीं हो सकता, और आए दिन शोषण हो रहा है। अगर हमारे साथ कहीं भी साइड पर मारपीट हो जाती है या गाली गलौज हो जाती है तो उसको संज्ञान में नहीं लेते हैं, न उसको कोई कार्रवाई कराते हैं। और कल ही हमारे एक साथ एक घटना घटित हुई है गांधी पार्क बिजली घर पर, हमारे एक संविदा कर्मी सोहराब अली के साथ घटना घटित हुई, लेकिन उसका इलाज जो है ESI के माध्यम से करा रहे थे, लेकिन ESI के माध्यम से कोई इलाज नहीं होता और ESI के माध्यम से हमारे दो भाइयों की मौत भी हो चुकी है। इसलिए हमने संगठन के द्वारा दबाव बनाया और उनको डॉक्टर रामकुमार गुप्ता जी के यहाँ एडमिट करवाया और उनका इलाज चल रहा है। और जब तक हमारे जो हम जो बैठे हुए हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, जब तक नहीं माने जाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं? मांग ये है, पहली मांग तो ये है कि हमसे 8 घंटे का कार्य किया जाए। दूसरी मांग ये है जो जब दिया सब डिस्कशन करने का उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए।